हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी और एक और नई फ्रेश वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकाली गई हैं टोटल पोस्ट रहने वाली हैं फिफ्टी और ये पोस्टें जो है इंटरव्यू बेस के ऊपर रहने वाले हैं जिनकी डेट रखी गई है दस जून दो तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करते हैं इन पोस्टस के बारे में और इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और यदि आप आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेप्रेशन भी कर रहे हैं तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो देखिए फ्रेंड्स ये है ऑफिसी नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डॉ वाई एस प्रमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर देखिए लिखा गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स दैट इज प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्पेशलिटीज़ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिल फॉर वन ईयर शेल वी हैड इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन आन डिस्ट्रिक्ट एच पी ऑन टेंथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एट इलेवन एम ये जो इंटरव्यू रखा गया है ये दस जून दो हज़ार बाईस को ग्यारह बजे से स्टार्ट हो जाएगा ये इसके साथ देखिए द डिटेल ऑफ द एडवर्टाज़ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेशन परफॉर्मा अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कैन बी सीन एज वेल द डाउनलोड द वेबसाइट कॉलेज की वेबसाइट भी दी गई है इससे आप जो भी क्राइटेरिया रहने वाला है पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे ये भी मेंशन किया हुआ है इन केस एनी डेट मैं अबव हैपन्स टू बी हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट अगर जो डेट रखी गई है टेंथ जून दो अगर उस दिन हॉलीडे होती है तो अगला दिन जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा नेक्स्ट देखिए ये रहने वाली हैं फिल्ड वाई वॉक इन इंटरव्यू एज पर वैकेंसी अवेलेबल इन डॉक्टर वाई एस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन एज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं देखिए एनाटॉमी में देखिए प्रोफेसर की एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की टू पोस्टें आने वाली हैं टोटल जो है वो एनाटोमी की थ्री पोस्टें यहाँ रहने वाली हैं माइक्रो बायोलॉजी की इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट आने वाली है और फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी की यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट रहने वाली है चेस्ट एंड टी बी ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट उसके बाद देखिए पैथोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट और साइकेट्री में देखिए प्रोफेसर की एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट टोटल पोस्ट हुआ है थ्री रहने वाली हैं साइकेट्री में जनरल सर्जरी में यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके बाद ओ में एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की और ई में देखिए एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट रहने वाली हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर थ्री पोस्ट है ई के लिए रहने वाली हैं इसी प्रकार देखिए प्रोफेसर की यहाँ पर टोटल थ्री पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की भी थ्री पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की नाइन पोस्ट यहाँ रहने वाली हैं टोटल पोस्ट जो हैं फिफ्टीन पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर देखिए अरिकोगोगनाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और सेकंड और पार्ट टू ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन अ लाइसेंटिएट क्वालिफिकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होल्डर्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन पार्ट टू ऑफ द थर्ड शेड्यूल शुड आल्सो फुलफिल द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन सब सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन थर्टीन ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट नाइनटीन सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन थर्ड पॉइंट देखिए एटलीस्ट फोर ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर चार साल का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए नेक्स्ट देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही है जो ऊपर दिया गया था उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न स्पेशलिस्ट मैंसर्ड इन पार्ट ए ऑफ नेक्स्ट टू ऑफ ईयर्स इक्वलेंट क्वालिफिकेशन ये भी सेम रखा गया है उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर रखा गया है एट लीस्ट फाइव ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर फेलिंग विथ सिक्स ईयर कंबाइंड एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिटी इन एनी रिकोगोगनाइज मेडिकल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो है पांच साल का एक्सपीरियंस रखा गया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट सेम है सेकंड पॉइंट भी सेम रखा गया है थर्ड पॉइंट में एटलीस्ट थ्री ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और लेक्चरर रजिस्ट्रार डेमानस्ट्रेटर रेजिडेंस आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न स्पेशलिटी इन एनी रिकोगोगनाइज मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थ्री ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रखा गया है लेक्चरर रजिस्ट्रार डेमानस्ट्रेटर रेजिडेंट आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट तीन साल का एक्सपीरियंस के लिए रखा गया है ये देखिए पे और अलाउंस दिया गया है यहां पर प्रोफेसर के लिए पे अलाउंस देखिए फिक्स्ड अलाउंसुअल सैलरी पर मंथी एट थाउजेंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रखा गया है और ये साथ में देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट शो ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर द इंटरव्यू कमेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे

फॉर वेरफिकेशन एज के लिए वेरिफिकेशन के लिए टेंथ का सर्टिफिकेट डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा अटैम्प्ट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम बी बी एस एम डी या एम एस लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल काउंसिल पब्लिकेशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट इज जनरल एस सी एस टी ओ बी सी कैटगरी का उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट फ्राम कम्पिटेंट अथॉरिटी उसके बाद आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ और टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसको आप फिल करके आपको सबमिट करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ कहा गया है द अप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड अप टू टेन थर्टी एम ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कम्प्लीट करके आप जितने भी डॉक्यूमेंट है वो टेन थर्टी एम पर इंटरव्यू वाले दिन आपको ये सबमिट करने पड़ेंगे ऑफिस में देर आफ्टर नो एप्लीकेशन सेल बी एंटरटेन उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन जो मान्य नहीं होगा द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विस्ट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी मेल टू अवर ई मेल एड्रेस ये जो ई मेल एड्रेस दिए गया है इसके ऊपर भी आपने आप डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं और फ्रेंड्स इस पी डी एफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ से जाकर पी डी एफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ ओफ द प्रिंसिपल डॉक्टर बाई एस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश की ओर से जिसमें कि प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की फिफ्टीन पोस्टें रहने वाली हैं सारी की पोस्ट, सारी पोस्टें इंटरव्यू बेस के ऊपर रहने वाली हैं तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली